आज माशाल्लाह हमारी पास बिजकॉम के हवाले से काफ़ी अच्छी फ्रूटफुल मीटिंग रही है। हमारी फ्यूचर की प्लानिंग है, अभी इस वक्त प्रेजेंटली हम कनाडा में एक्सपेंड कर रहे हैं और कनाडा के बाद में इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में हम जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त वन ऑफ़ द लीडिंग कंपनी है और लॉजिस्टिक में अल्हम्दुलिल्लाह पीटीएन का अपना नाम है। हमने लॉजिस्टिक में नए वेन्यूज़ खोले हैं, स्पेशलाइज फील्ड में गए हैं। इस वक्त हम 22 डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कुछ अच्छे काम होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो कम्युनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई हैं वो आपस में कलेक्टिवली कुछ काम करने का सोच रही हैं, काम को आगे बढ़ा रही हैं। इसमें थैंक यू शेख फौजी साहब ने हम ये अरेंज किया इसको, और फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से वो ऑस्ट्रेलिया के जिस पर आरिफ साहब हैं उनको वहाँ लेकर आए, उन्होंने विज़िट करवाया। पीटीएन जो है परफेक्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तकरीबन मोर देन 35 ईयर्स इस्टेब्लिश इन पाकिस्तान, और इसने सबसे पहले TCS इस कंपनी ने बनाया था। उसके बाद पीटीएन इस वक्त जो है तकरीबन 40-45 प्लस डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को सर्व कर रहा है। इसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, इसमें आपकी बल्क इंडस्ट्री भी मौजूद है, सीमेंट इंडस्ट्री है, यूरिया इंडस्ट्री मौजूद है, इसमें आपके पास हम आप जो काम कर रहे हैं वो कोल इंडस्ट्री को भी सर्व कर रहे हैं। इसके साथ हम PTN जो गाड़ी दे रहा है वो चैलेंजेस हमने दिया कि इलेक्ट्रिक को हम सर्व करते हुए आ रहे हैं। अभी हमने ऑपरेट करने का सोचा है, वहाँ प्लान किया है, कनाडा में हमारा एक ऑफिस इस्टेब्लिश हो चुका है अभी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कनाडा में अपना ऑफिस जो है वो नेक्स्ट मंथ से अक्टूबर 2021 में हम फर्स्ट वीक में हम वहाँ पर स्टार्ट कर देंगे अपना ऑपरेशन। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ऑस्ट्रेलिया जाने का होगा ताकि पाकिस्तान की ग्रोथ हो, पाकिस्तान में रेवेन्यू आए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को हम बूम लेकर करना चाहते हैं। पाकिस्तान का एक मसला जो एक अच्छी वैश्यत है वो हम उसको हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पास वो तमाम एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं कि जो हम एक अच्छी कंपनी के होने के नाते अपनी दुनिया में लोगों को दे सकते हैं। माशाल्लाह ये PTN के साथ जो आज हमारी मीटिंग हुई है, इट हैज़ बीन वेरी फ्रूटफुल इन द सेंस दैट हमने एक आइडिया शेयर किए हैं। दे वॉन्ट टू गो ग्लोबल। PTN जैसे आप जानते हैं पाकिस्तान की बहुत मशहूर और इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फ्रॉम जो है KE को भी आई बिलीव यही प्रोवाइड करते हैं। अब दे आर लुकिंग एट गोइंग ग्लोबल। कनाडा में उन्होंने वैसे अपना फुटप्रिंट डाल दिया है और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी इनका रुझान है, तो उसमें हमारी एसोसिएशन जो है जैसे मैंने फरमाया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन, हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हम करेंगे टू फैसिलिटेट PTN टू स्टार्ट देयर लॉजिस्टिक्स बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया। दिस कंपनी PTN इज़ अ पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी, विच मीन्स कि जो कुछ वो वहाँ पे कमा रहे हैं दैट विल कम बैक हेयर टू द हेड ऑफिस, विच मीन्स द पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा। जैसे को पता है कि US डॉलर की तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज़ ऑल्सो गोइंग अप, अभी 122 पे है, तो ये लोग जो वहाँ पे कमा रहे हैं वो वापस यहाँ भेजेंगे। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, जिससे इसका मतलब है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट बढ़ेगी। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उसमें पाकिस्तान का ही फॉरेन एक्सचेंज का GDP और हर चीज़ के का फ़ायदा होगा। पाक बिजकॉम जो है वो बहुत की रोल अदा कर रहा है, और वो यहाँ पर उनका जो एफिलिएशन है वो बिज़नेस कम्युनिटी से है, और वो चाह रहे हैं कि जितनी भी कंपनीज़ हैं वो इसके अंदर मेंबर बने और उनको उसमें फैसिलिटेट किया जाएगा, उनके प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट किया जाएगा, और ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दे रही है जिसको फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की अम्ब्रेला के नीचे रन कर रहे हैं, और वो हमारी ट्रेड में बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी पाक बिजकॉम।